पश्चिम बंगाल में डॉक्टर मौमिता देवनाथ की क्रूरतापूर्वक बलात्कार एवं निर्मम हत्या कर दी गई है, जिस संबंध में आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश प्रमुख सचिव रामरतन दीक्षित के नेतृत्व में संगठन ने संबंधित न्यायिक जांच करने के एवं दोषियों को फांसी दिए जाने की महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है। ज्ञापन में उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में 9 अगस्त को IG कॉलेज अस्पताल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर मौमिता देवनाथ मृत अवस्था में पाए जाने पर देश भर में पश्चिम बंगाल की सरकार की शासन की व्यवस्था की निंदा हो रही है। संपूर्ण देश में डॉक्टर के काम बंद हड़ताल करके अपना आक्रोश प्रकट किया जा रहा है। वहीं रामरतन दीक्षित द्वारा बताया गया है कि साथ ही कुछ संगठनों ने माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है। न्यायालय के आदेश से हड़ताल खत्म की गई, परंतु रोष अभी भी बरकरार है। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? जो कलकत्ता की घटना हुई है उसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन जो है ट्रू प्रॉपर है, हम आगे विश्वास। थैंक यू। हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में ये ज्ञापन दिया जाएगा और इस माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, इन लोगों को हमारा ज्ञापन। यदि सर ज्ञापन का संज्ञान नहीं लिया गया ज्ञापन देने के बाद, तो अगला कदम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का क्या होगा? अगला कदम हमारा पूरे भारत में जिला स्तर पर उन्हें पहले अनुमति लेंगे उनसे कि हम सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। सत्याग्रह आंदोलन में हम लोग इकट्ठे होंगे, जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, उसके माता पिता ये नहीं कहते हैं कि उनको फांसी की सजा मिल गई, जब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं दशरथ विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन। जो आपके नेतृत्व में और माननीय दीक्षित जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा, पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनकी निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में आज हमारा संगठन पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में प्रत्येक तहसील स्तर पर ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंप रहा है, ताकि उनको फांसी की सजा दी जाए और कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। भविष्य में किसी भी माता बहन के साथ ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन पत्र सौंपा है। हम चाहते हैं, हम शासन प्रशासन से, महामहिम जी से इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और सख्त कार्यवाही होगी। मृतक डॉक्टर के परिवार। जतारा से आशीष राय की रिपोर्ट।